हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की जो बैठक होनी है 18 दिसंबर को, जिसमें बड़े 5 फैसले जो है वो लिए जाएंगे, जिन पे चर्चा होगी और उन्हें मंजूरी भी मिलेगी। कौन से वो बड़े 5 फैसले हैं, किसके लिए वो इंपॉर्टेंट हैं, इस पे डिटेल से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। अगर आपका वहां पे प्लॉट है, चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट है या आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट है, आपका इंस्टीट्यूशनल प्लॉट है या आपकी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। या आप किसान हैं, आपकी जमीन जा चुकी है या आपकी जमीन जाएगी, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुख्य 5 टॉपिक है, उनका आपको जानकारी होनी चाहिए। वो उस इन 5 जो मुद्दे हैं, इन पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, किसको क्या फायदा होगा, पूरी जानकारी वीडियो में आपको दी जाएगी। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखेंगे कौन से वो 5 बड़े फैसले हैं जिन पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी बैठक करने जा रही है, चर्चा करने जा रही है, जिनको मंजूरी मिलेगी, किस किस को फायदा मिलेगा। ये है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का 2031 का मास्टर प्लान, जो काफी बार हम वीडियो में दिखा चुके हैं, जिसमें आपको कुछ कलर वाइज रेजिडेंशियल प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, रेजिडेंशियल सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशनल सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको ग्रीन एरिया जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे, मेन स्लाइड पे, और बात करेंगे यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक 18 दिसंबर को। इन 5 बड़े फैसलों पर लगेगी मोहर, किसानों की आएगी मौज। तो किस तरीके से किसानों की मौज आएगी, कौन से वो बड़े 5 फैसले हैं, किसको कितना फायदा होगा, इस पे आगे बात करते हैं 18 दिसंबर को। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक 18 दिसंबर को होगी, यानी कि जो 18 दिसंबर 2023 है, नेक्स्ट मंथ, उसको होगी। गुरुवार को यह जानकारी चेयरमैन कार्यालय ने प्राधिकरण को दी, यानी कि जो चेयरमैन कार्यालय है उसने प्राधिकरण को यह जानकारी दी है। इस बार की बोर्ड बैठक में 5 महत्वपूर्ण एजेंडे पेश किए जाएंगे, यानी कि जो महत्वपूर्ण 5 एजेंडे हैं जिन पे काफी टाइम से रुकावट लगी हुई है, वो पेश किए जाएंगे। इनमें किसान हित को ध्यान में रखकर 3 बड़े फैसले होंगे, यानी कि किसानों को हित में रखते हुए जो बड़े 3 फैसले हैं जिनसे डेवलपमेंट रुक रहा है, जो डेवलपमेंट नहीं क्लियर हो पा रहा है, वो 3 बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। इससे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों को बड़े फायदे मिलेंगे, जो यमुना प्राधिकरण में जो किसान आते हैं उन्हें बड़े फायदे मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिलेंगे, दूसरी ओर यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह सभी विभागों को बोर्ड बैठक की तैयारी करने और अपने अपने एजेंडे भेजने का आदेश दिया है। यानी कि जो डॉक्टर रणवीर सिंह है, जो सीओई डॉक्टर रणवीर सिंह है यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के, उन्होंने सभी विभागों के जो अधिकारी है उनको बोला है कि अपने अपने एजेंडों की जो तैयारी है वो कर ले, सभी पे बात होंगी। नंबर 1, किसानों को 10% विकसित भूखंड मिलेंगे, यानी कि किसानों को 10% भूखंड किस तरीके से मिलेंगे, इस पे बात कर लेते हैं। यमुना प्राधिकरण को विकास योजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को अभी तक 7% विकसित आवासीय भूखंड वापस लौटाए जाते हैं। यानी कि अभी तक क्या प्रावधान था कि जिन किसानों की जमीन जाती है, जिनकी जमीन अथॉरिटी ने एक्वायर की है, उनको 7% का प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डेवलप करके उनको वापस देती थी। इसको किसान इस जमीन का उपयोग आवासीय सुविधाओं के लिए करते हैं, किसान जो है ये जो प्लॉट मिलते हैं इसको आवासीय सुविधाओं के लिए करते हैं। बाकी इसमें आगे भी बताएगा कि किस किस तरीके के इसमें काम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राधिकरण की ओर से मिलने वाले इन भूखंडों पर कुछ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जाती है, यानी कि इन ये जो प्लॉट है ये एक तरीके से सेमी कॉमर्शियल प्लॉट होते हैं। जो ये प्लॉट है 7%, ये पहले भी प्लॉट दिए गए, नोएडा में भी 5%, ग्रेटर नोएडा में 6% और 10%,
और यमुना प्राधिकरण में भी अब ये 7% की जगह पे 10% किसानों को प्लॉट दिए जाएंगे। वो किस तरीके से, इसमें किसान जो है जो प्लॉट मिलते हैं इसको सेमी कमर्शियल एक तरीके से प्लॉट बोला जाता है, जिसमें आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरीके के काम कर सकते हैं। अब प्राधिकरण ने विकसित भूमि का क्षेत्रफल 10% करने का फैसला लिया है, यानी कि किसानों की मांग थी कि हमें 7% की जगह 10% प्लॉट दिए जाए। अभी यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने भी डिसीजन लिया है कि अब 10% ही दिए जाएंगे, क्योंकि पहले भी ग्रेटर नोएडा में जब लोगों को 6% मिले थे तो कुछ किसानों ने मुद्दे को लेके आगे गए और उनको भी 10% के प्लॉट मिल चुके हैं ग्रेटर नोएडा में। तो अब यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने जो जमीन डेवलपमेंट के लिए ली है, जिस भी किसान की जमीन गई है उसको 10% के हिसाब से प्लॉट दिया जाएगा। मतलब अगर कोई किसान प्राधिकरण को 1000 वर्ग मीटर जमीन विकास योजनाओं के लिए देगा तो प्राधिकरण उसको 100 वर्ग मीटर जमीन विकसित करके वापस लौटाएगा। यानी कि अगर किसी किसान की 1000 वर्ग मीटर जमीन जाती है तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी उसे 100 मीटर का प्लॉट देगी डेवलप करके, जैसे कि रोड, लाइट, सीवर सभी काम करके अच्छी कनेक्टिविटी के साथ प्लॉट जो है वो वापस करेगी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। उसके बदले में कुछ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डेवलपमेंट चार्ज के रूप में किसानों से वापस लेगी। यह प्रस्ताव 18 दिसंबर को प्राधिकरण बोर्ड में रखा जाएगा, यानी कि यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा, जिससे मंजूरी मिलते ही भविष्य में किसानों को बड़ा फायदा होगा। जी हां, ये तो है ही कि जहां 7% का प्लॉट था अगर वहां 10% का प्लॉट मिलेगा तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपकी 1000 वर्ग मीटर जमीन जाती है और वहीं आपको 100 मीटर जमीन डेवलप करके अच्छे तरीके से, जिसमें आप भविष्य में आप रेजिडेंशियल काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, आप उसमें कॉमर्शियल वर्क कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 100 वर्ग मीटर जमीन वापस मिलती है। 1000 वर्ग मीटर वो डिपेंड करता है फिर कितनी किसान की जमीन जाती है उसको किस हिसाब से प्लॉट मिलता है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दे दूं, काफी लोग पूछते हैं इन किसान कोटे के प्लॉटों के बारे में, वैसे इस पे एक डीप में वीडियो बनाएंगे। ये प्लॉट काफी लोग सेल कर रहे हैं और सेल हो रहे हैं, काफी पुराने टाइम से सेल होते आ रहे हैं। अभी ये प्लॉट एग्रीमेंट टू सेल और वसीयत पे सेल होते हैं, क्योंकि इन प्लॉटों की अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा में हो, जब तक प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होती है किसान के नाम पे या किसी भी अलॉटी के नाम पे, तब तक प्लॉट अगर सेल किया जाता है तो वो एग्रीमेंट टू सेल या वसीयत पे ही सेल हो सकता है। अथॉरिटी में ना उसमें ट्रांसफर होगा ना रजिस्ट्री होगी। बाकी ये प्लॉट काफी सेल किए जाते हैं, काफी लोग परचेज करते हैं। इसमें एक डीप में वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आप ये प्लॉट खरीद सकते हैं, किन किन चीजों का इसमें ध्यान रखें, क्योंकि इसमें अभी रजिस्ट्री या ट्रांसफर नहीं है, तो उस पे लेके एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। चलते हैं आगे। नंबर 2, 12 गांव के किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। यानी कि किसानों को एक बार 100% मुआवजा दिया गया था, उसके बाद किसानों ने मांग की कि ये मुआवजा कम है, हमें और बढ़ा के मुआवजा दिया जाए। तो कोर्ट से ऑर्डर हुआ और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को 64.7% मुआवजा देने का और आदेश दिया गया। काफी किसानों को यह मुआवजा मिल चुका है, जैसे कि सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में और भी काफी सेक्टरों में। अभी काफी लोग बचे हुए हैं जिनको ये मुआवजा नहीं मिला है, 64.7 अतिरिक्त मुआवजा जो है, तो ये भी दिया जाएगा। किस तरीके से दिया जाएगा इस पर बात कर लेते हैं। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 12 गांव में किसानों ने विकास योजनाओं के लिए अपनी जमीन दी थी, यानी कि किसानों ने अपनी जमीन दी थी, इन सभी किसानों को जमीन खरीदने के एवज में मुआवजा दिया जा चुका है। पिछले दिनों किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देने का फैसला लिया गया था। जी हां, पहले पूरा मुआवजा मिल चुका है, मगर किसानों की मांग पे ये बढ़ा के 64.7% मुआवजा और देने का ऐलान किया गया, फैसला किया गया। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी यमुना प्राधिकरण ने किसानों का पक्ष लिया था। अब प्राधिकरण इस मुआवजे का भुगतान करने के लिए
बोर्ड में प्रस्ताव रखेगा। इस फैसले से करीब 25,000 किसान परिवारों को बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जो बढ़ा हुआ मुआवजा है अगर वो मिलता है किसानों को, तो इससे किसानों को भी फायदा होगा और डेवलपमेंट में भी फायदा होगा, क्योंकि किसानों ने जो जमीन अभी तक नहीं दी है अथॉरिटी को, वो जमीन अथॉरिटी को मिलेगी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ है। आप भी देख सकते हैं सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 17, जिनमें काफी टाइम पहले प्लॉट अलॉट हो चुके हैं, मगर अभी काफी प्लॉट मौके पे नहीं लगे, काफी प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, इस कारण डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो वो अगर इनको मुआवजा मिलता है किसानों को, तो उसके बाद कब्जा जो है वो किसानों का हट जाएगा और अथॉरिटी को जमीन मिल जाएगी, जिससे कि डेवलपमेंट में भी फायदा होगा। अब आ चलते हैं आगे। नंबर 3, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने का रास्ता साफ। जी हाँ, ये काफी टाइम से चल रहा है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे जो है, जो आगरा के लिए जाता है ग्रेटर नोएडा से, इसको बने हुए काफी टाइम हो गया, 2011-12 में कंप्लीट हो गया था, मगर अभी तक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है, इसको भी काफी टाइम हो गया है बने हुए, मगर दोनों में कनेक्टिविटी नहीं है। इस कारण काफी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जाना है तो कई किलोमीटर अलग एक्स्ट्रा रास्ते से जाना होता है, तब हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, और अगर हमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे पे जाना होता है, तो एक अलग रूट से होके जाने से काफी दिक्कतें होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, जिससे कि दोनों में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे कि आने जाने में बहुत ही सुविधाएं होंगी। बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के दो महत्वपूर्ण महामार्ग, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे एक दूसरे को दनकौर के पास काटते हैं। जी हाँ, दनकौर एक कस्बा है, बहुत ही पॉपुलर, सेक्टर 17 में, जिसके पास आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, वहां पे दोनों ही एक्सप्रेसवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जगनपुर अफजलपुर गांव के पास इन दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनेगा। जी हाँ, ये जगनपुर अफजलपुर है, वहां पे पास ही में गांव लगते हैं, वहां दोनों क्रॉस करते हैं, दनकौर मेन प्लेस है, कस्बा है, उसी के पास, तो दोनों को जोड़ने के लिए वहां पे इंटरचेंज जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि एक दूसरे से वहां पे उतरा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, या अगर किसी भी एक्सप्रेसवे पे जाना है तो वहां से जाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि इससे काफी लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। इस गांव के किसान नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मुआवजे दर के बराबर जमीन की कीमत मांग रहे थे। जी, जो वहां के किसान है, जैसे कि जगनपुर अफजलपुर के जो किसान है, वो इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी देती है, इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे, वो मांग कर रहे थे जो नेशनल हाईवे है, जो उनकी दर का मुआवजा मिलता है, वो मुआवजा मांग रहे थे। तो इस वजह से ये जो एक्सप्रेसवे है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जो इंटरचेंज है वो नहीं बन पा रहा था। इस विवाद का समाधान हो चुका है, यानी कि जो ये विवाद चल रहा था काफी टाइम से, इसका समाधान हो चुका है। किसानों के लिए 221 करोड़ रुपए की धनराशि यमुना प्राधिकरण ने अपर अधिकारियों को भेज दी है, यानी कि जो ये मुआवजा है, जो ये इस तरीके से मुआवजा जो देना है, इतनी धनराशि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जो अपर अधिकारी हैं उनको भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जल्दी यह पैसा किसानों को बांट दिया जाएगा, यानी कि जो जगनपुर अफजलपुर के जो किसान हैं, जल्दी ही उन किसानों को यह पैसा बांट दिया जाएगा। दूसरी ओर प्राधिकरण ने जगनपुर अफजलपुर के किसानों को आवासीय भूखंड देने का प्रस्ताव तैयार किया है, यानी कि उनको इसी तरीके से मुआवजा मिलेगा जो वो मांग रहे हैं, और उनको जो किसान कोटे के प्लॉट है वो भी दिए जाएंगे। इन किसानों को आवासीय भूखंड यमुना सिटी के सेक्टर 17B और सेक्टर 25 में आवंटित किए जाएंगे, यानी कि इनको जो प्लॉट दिए जाएंगे किसान कोटे के, वो सेक्टर 17B में दिए जाएंगे और सेक्टर 25 में दिए जाएंगे। यह प्रस्ताव 18 दिसंबर को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, यानी कि 18 दिसंबर को यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी
मिलने पर गांव के सैकड़ों किसान परिवारों को बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, इससे भी बड़ा फायदा होगा क्योंकि अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट किया जाए, शहर को एक नया रूप दिया जाए, यानी कि शहर को बसाया जाए। जो भी ये छोटी छोटी अड़चनें आ रही है इन सबको दूर किया जाए किसी भी तरीके से। तो ये एक अच्छा डिसीजन है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का। नंबर चार, मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी जाएगी। जी हाँ, अभी तक आपने जब भी देखा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट पे या कहीं भी आपने 2031 का मास्टर प्लान देखा होगा, मगर अब आप फ्यूचर में कुछ टाइम बाद 2041 का भी मास्टर प्लान देखेंगे। इसको भी मंजूरी दी जाएगी, जिसको बना के तैयार कर दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद ये आप सभी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है, जो लोग यहाँ पे प्लॉट अपना खरीदना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं उनके लिए। मैं आपको बता दूं कि आप भविष्य में देखेंगे, जब 2041 का आप मास्टर प्लान देखेंगे तो आपको काफी बड़ा रेजिडेंशियल एरिया देखने के लिए मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया देखने के लिए मिलेगा और इंस्टीट्यूशनल एरिया देखने के लिए मिलेगा। तो आप चिंता ना करें कि आपका ये छोटी छोटी जो अलॉटमेंट आती है इनमें प्लॉट नहीं निकलता है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जब 2041 का मास्टर प्लान आएगा तो आप बड़े बड़े सेक्टर, आपको और सेक्टर, जिस तरीके से सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 17 है या सेक्टर 22 है, इस तरीके से कुछ नए सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे जिनमें काफी ज्यादा प्लॉट जो है, काफी संख्या में प्लॉट निकाले जाएंगे रेजिडेंशियल। तो आप उनमें अप्लाई करेंगे तो आपके प्लॉट निकलेंगे। आप इस तरीके से ना सोचे कि यही सेक्टर 18, सेक्टर 20 है, बस यही प्लॉट हमें लेना है चाहे किसी भी कीमत पे मिले। तो आप इसको भी ध्यान में रखें 2041 के मास्टर प्लान में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। यमुना प्राधिकरण की महायोजना 2041 बनकर तैयार हो चुकी है। जी हाँ, यमुना ये एक महायोजना है क्योंकि लंबे टाइम तक का जो मास्टर प्लान है, जो 2041 का मास्टर प्लान है, वो बनके तैयार हो चुका है। इसे पिछली बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। मास्टर प्लान मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था। जी, जो राज्य सरकार को भेजना होता है तो राज्य सरकार को भेजा गया था। सरकार ने कुछ संशोधन करने के सुझाव दिए थे, सरकार ने इसमें कुछ संशोधन करने के सुझाव दिए थे। उन सुझावों पर अमल करने के बाद मास्टर प्लान एक बार फिर मंजूरी के लिए प्राधिकरण बोर्ड के सामने रखा जाएगा। जी, वो जो संशोधन थे वो करके फिर से वो प्राधिकरण बोर्ड जो है वो सामने रखेगी। प्राधिकरण बोर्ड अंतिम रूप से मास्टर प्लान राज्य सरकार के पास भेजेगा, यानी कि फिर से राज्य सरकार के पास इसको बिल्कुल क्लियर करने के बाद फिर से भेजा जाएगा। जो कुछ चेंज थे, जो राज्य सरकार ने पहले इसमें कुछ सुझाव दिए थे, वो सब करने के बाद फिर से भेजा जाएगा। तो ये काफी अच्छी जानकारी है। 2031 के मास्टर प्लान को आप इसका इंतजार करें और देखें, इसमें आपको काफी सेक्टर जो है वो फिर से रेजिडेंशियल देखने के लिए मिलेंगे, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर पांच, हेरिटेज सिटी की डीपीआर पेश की जाएगी। हेरिटेज कॉरिडोर की पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, यानी कि हेरिटेज कॉरिडोर जो सिटी है उसको पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पर्यटक, वाणिज्य एवं संस्थागत गतिविधियां होंगी, यानी कि जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है उसके दोनों तरफ आपको पर्यटक, वाणिज्यिक और संस्थागत गतिविधियां जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए होटल और रेस्टोरेंट आदि होंगे, यानी कि जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट तरीके की जो सुविधाएं हैं वो आपको सभी देखने के लिए मिलेंगी। मथुरा वृंदावन घूमने आए तो यहां पर रुकें, यानी कि आप जानते हैं मथुरा वृंदावन के बारे में, काफी लोग वहां जाते हैं, तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो उसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जाएगा। यहां पर चौकी धानी की तर्ज पर 6 स्थान विकसित किए जाएंगे, यानी कि चौकी धानी की तरीके से यहाँ पे 6 स्थान जो है वो विकसित किए जाएंगे। किस तरीके से, कॉरिडोर के दोनों ओर तमाम गतिविधियां होंगी। यहां पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा, यानी कि म्यूजियम भी यहां पे बनाया जाएगा। इसमें द्वार पर काल के नंदगांव, बरसाना, गोकुल समेत करीब 6 गांव,
विकसित किए जाएंगे, यानी कि इस तरीके से इसमें विकसित करने के लिए 6 गांव जो है वो विकसित किए जाएंगे। यहाँ की संस्कृति को दर्शाया जाएगा, यानी कि जो वृंदावन की जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, उसको यहाँ पे दर्शाया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, पर्यटक जो है, वो यहाँ पे आए और हमारी संस्कृति को देखें। भविष्य में इसका जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको पता चले कि किस तरीके से हमारी संस्कृति है, उस पर ज्यादा रुझान है। और ये अच्छी बात है कि होना भी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जाने इसके बारे में। आगे देखते हैं, यहाँ कथा वाचनालय केंद्र बनेंगे, यानी कि जो जहां पे कथा वाची जाती है वो केंद्र बनेंगे। वेलनेस सेंटर में रहकर लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे, यानी कि जो स्वास्थ्य का लाभ है वो यहाँ पे लोग ले सकेंगे। इस कॉरिडोर से श्रद्धालुओं का वृंदावन पहुंचना आसान हो जाएगा, यानी कि जो श्रद्धालु हैं उनका वृंदावन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पर्यटक एवं श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी, बरसाने की होली आदि पर भीड़ और जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, जो जन्माष्टमी का मेला लगता है या जो बरसाने की होली है, उस टाइम पर आप देखेंगे तो काफी आपको भीड़ जो है वो वहां पे देखने के लिए मिलती है अभी, मगर आने वाले टाइम में इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी जन्माष्टमी और बरसाने की जो होली है उस टाइम पर। उन्हें मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी, यानी कि जो मंदिर तक जब पहुंचना है तो उसमें आसानी होगी, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अब यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हेरिटेज सिटी की DPR प्रस्तुत की जाएगी, यानी कि जो इसकी DPR है वो प्रस्तुत की जाएगी। DPR को विशेष कंपनियों ने तैयार किया है, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो बढ़िया कंपनियां हैं, उन्होंने इस DPR को तैयार किया है। बोर्ड से DPR पर मोहर लगने के बाद आगे कार्रवाई बढ़ेगी, यानी कि बोर्ड से अब जब इस DPR पर मोहर लग जाएगी तो आगे की कार्रवाई जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन पांचों न्यूज थी जिसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, और आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी तरह की, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा में या यमुना प्राधिकरण में, तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारा ऑफिस आपको देखने के लिए मिलेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा अंचल गोल्फलिंग 1 नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन, यानी कि परिचौक से 1 मेट्रो स्टेशन पहले आपको हमारा ऑफिस देखने के लिए मिलेगा। तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यहां पे खरीदने की सोच रहे हैं या कोई और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, डेवलपमेंट आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है या जो किसान है उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।